तो क्वेश्चन नंबर वन है कि द प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिज्म विद डिफरेंट एवोल्यूशनरी हिस्ट्री बहुत बढ़िया हाँ सवाल है इवॉल्व सिमिलर फिनोटिपिक एडोप्टेशन इन रिस्पॉन्स टू अ कॉमन एनवायरमेंटल चैलेंज इज कॉल्ड पहली चीज तो देखो अगर करा कि द प्रोसेस बाई विच ऑर्गेनिज्म विद डिफरेंट एवोल्यूशनरी हिस्ट्री करे दो ऑर्गेनिज्म दो ऑर्गेनिज्म जिनकी इवोल्यूशनरी हिस्ट्री अलग अलग है अगर दोनों का विकास अलग अलग एंसेस्टर से हुआ है तो इसका मतलब बेटा एडप्टिव रेडिएशन तो नहीं ही कर सकते हैं क्योंकि एडप्टिव रेडिएशन तभी आंसर करते हैं जब दो लोगों के एंसेस्टर सेम हो दोनों की एवोल्यूशनरी हिस्ट्री सेम हो तो दोनों की दोनों का एंसेस्टर तो अलग हैं ज लेकिन दोनों में सिमिलर एडोप्टेशन हो गए एक ही जैसे दिखाई देते जैसे पोटेटो, पोटेटो बटरफ्लाई के विंग और चिड़िया के विंगे कन्वर्जेंट इवोलूशन को शो कर रहा है ठीक है यह कन्वर्जेंट इवोलूशन शो करेगा डी आंसर हो जाएगा मेरी बात समझ में आ रही है जब डिफरेंट इवोल्यूशनरी हिस्ट्री करेगा तो कन्वर्जेंट कर लीजिएगा सेम हिस्ट्री कहे तो एडोप्टिव रेडिएशन आप कर लो इन ऑस्ट्रेलिया मार्सुपियल एंड प्लसेंटल मैमल हैव इवॉल्व टू शेयर मेनी सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक दिस टाइप ऑफ एवोल्यूशन मे बी टू एज बहुत अच्छा सवाल है भी नीट उन्नीस का सवाल था इसमें भी मुझे दो तरह के आंसर दिखाई दे रहे हैं मुझे एडोप्टिव रेडिएशन भी कुछ बच्चों का आंसर दिखाई दे रहा है और कुछ बच्चों का कन्वर्जेंट एवोल्यूशन भी दिखाई दे रहा है तो पहले ध्यान दो सवाल पे क्या कह रहा है वो आपसे कह रहा है कि मार्सुपियल्स एंड प्लेसेंटल बेटा तो आप खुद सोचो ना अभी अभी आपको बताए कि मार्सुपियल मैमल का एक अलग एंसेस्टर था प्लेसेंटल का अलग एंसेस्टर था और जब हम इन दोनों को आपस में कंपेयर कराएंगे तो क्या कहेंगे बेटा कन्वर्जेंट इवोल्यूशन क्या कहेंगे कन्वर्जेंट इवोल्यूशन डी आंसर हो जाएगा कुछ बात समझ में आ रही है ये नीट तेरह का सवाल था ये नीट उन्नीस का सवाल है अगला देखो ये भी नीट उन्नीस का सवाल है ए पॉपुलेशन ऑफ अ आज इनवेड अरिया करे एक जात की पॉपुलेशन एक नए एरिया में जाती है विच आर द तो फॉलोइंग कंडीशन विल लीड टू एडोप्टिव रेडिएशन करें एडोप्टिव रेडिएशन कैसे होगा ये एंसेस्टर है एडप्टिव रेडिएशन मतलब इससे कई सारी नई जातियां विकसित हो रही हैं नई जातियां विकसित हो रही हैं तो नई जातियों के विकसित होने के लिए हमारे पास ये नए हैबिटेट होने चाहिए है ना इस तरीके से अब ऑप्शन देखो पहला क्या लिखा है एरिया विद लार्ज नंबर ऑफ हैबिटेट बिल्कुल सही है भाई अगर, अगर एडप्टिव रेडिएशन होना है तो नए हैबिटेट होने चाहिए तभी तो वहां नई जातियां विकसित होंगी हैविंग वेरी लो फूड सप्लाई यहां गलती हो गई भाई अगर फूड सप्लाई कम हो जाएगी तो कंपटीशन शुरू हो जाएगा फिर नई जातियां कैसे विकसित होंगी तो बड़े ज्यादा हैबिटेट भी होने चाहिए और फूड सप्लाई भी होनी चाहिए तभी नई जातियां विकसित होंगी दूसरा एरिया विद सिंगल टाइप ऑफ वैकेंट हैबिटेट नहीं एक अगर हैबिटेट है तो एक ही जाति विकसित हो पाएगी ना जबकि एडोप्टिव रेडिएशन में तो कई सारी जातियों का विकास होता तो ये भी गलत हो गया एरिया विद मेनी टाइप ऑफ वैकेंट हैबिटेट यस मेनी टाइप के हैबिटेट और वैकेंट मतलब खाली वहां पहले कोई ना रहता हो क्योंकि पहले से कोई रहेगा तो कंपटीशन होगा तो ये सही इसमें क्या दिक्कत है एरिया विद मेनी हैबिटेट सही बात बाय लार्ज नंबर ऑफ स्पी अगर वो पहले से अकुपाइड हैं पहले से वहां बहुत सारी स्पीसी तो नई जाति कैसे विकसित होगी कंपटीशन शुरू होगा तो इसमें जो आंसर है बेटा वो हो जाएगा सी ऑप्शन सी आंसर है यहां पर जो लिखा ऑक्यूपाइड बाई लार्ज नंबर ऑफ इज ये गलत है वैकेंट हैबिटेट होना चाहिए तभी वहां नई जातियों का विकास होगा कुछ बात समझ में आई बहुत अच्छा सवाल था नीट का कॉन्सेप्ट वाला सवाल वेरिएशन कॉज्ड बाय म्यूटेशन एज प्रपोज ह्यूगो डिवरीज आर यह भी नीट न्यूटुनिज का सवाल था कह रहे म्यूटेशन जो, जो ह्यूगो ह्यूगोडिवरिज के द्वारा बताई गई उनमें कैसी वेरिएशन आती अभी अभी मैंने टिक कराया कैसी रेंडम एंड डायरेक्शन लेस रैंडम और डायरेक्शन लेस नीट बीस का सवाल है द फिनोमिना ऑफ एवोल्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीसीज इन अ जियोग्राफिकल एरिया स्टार्टिंग फ्रॉम अ पॉइंट एंड स्प्रेडिंग टू अदर हैबिटेट एक पॉइंट से शुरू करो और कई सारे हैबिटेट में फैल जाओ इस तरीके से तो ये किसकी बात हो रही है दिस इज द एडेप्टिव रेडिएशन क्वेश्चन कठिन नहीं आता है कॉन्सेप्ट आपको पता है तो आप कर लोगे लोग नेक्स्ट क्वेश्चन सिक्स ऑफ पेंगविन एग्जाम्पल ऑफ पेंगविन और डॉल्फिन के फ्लिपर किसके एग्जाम्पल हैं यह हम पहले भी पढ़ चुके हैं दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ एनालॉगी और एनालॉगी क्या शो करता है कन्वर्जेंट इवोल्यूशन ये कन्वर्जेंट इवोल्यूशन को शो करता है ठीक वेरिएशन ड्यूरिंग म्यूटेशन ऑफ म्यूटिक रिकॉम्बिनेशन आर करें म्यूटेशन के दौरान जो वेरिएशन आएंगे वो वेरिएशन कैसी होंगी इनसेट एग्जाम्पलर का है रैंडम एंड डायरेक्शन लेस रेंडम एंड डायरेक्शन लेस और नीट में सवाल रिपीट हुआ था क्वेश्चन नंबर एट मार्सुपियल मोल को बैंडीकूट एंड ओम्बेट आर एग्जाम्पल और बहुत बढ़िया हाँ सवाल है मारशुपियल मोल कोआला बैंडीकूट एंड ओम्बैट पहली चीज तो यह ध्यान देनी बेटा कि ये जितने भी नाम दिए गए हैं ये जितने भी नाम दिए गए हैं ये सब एक ही एंसेस्टर से विकसित हुए चाहे वो ओम्बैट हो चाहे वो बैंडीकूट हो चाहे कोआला हो चाहे मारशुपियल मोल हो इन सबका एंसेस्टर एक ही है और अगर एंसेस्टर एक ही है तो फिर क्या हो जाएगा एडप्टिव रेडिएशन एडेप्टिव रेडिएशन लेकिन अगर एंसेस्टर एक ही है है ना अगर एंसेस्टर एक ही है बेटा है ना तो एंसेस्टर एक ही है कॉमन एंसेस्टर, तो कॉमन एंसेस्टर तो होमोलॉजी और होमोलॉजी मतलब डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, तो इसका मतलब बेस्ट आंसर ये है डी ऑप्शन बोथ ए एंड सी डाइवर्जेंट आपको क्या नहीं दिखाई दे रहा है अगर एडप्टिव रेडिएशन है तो देखो क्या रेज डाइवर्स नहीं हो रहे हैं देखो ये डाइवर्ज हो रही है ना अलग अलग दिशाओं में फैल रही है तो इसको हम लोग डाइवर्जेंट एवोल्यूशन भी कह सकते तो डिज द बेस्ट ऑप्शन फ्लाइंग स्क्ल एंड फ्लाइंग फैलेंजर रिप्रेजेंट द फिनन ऑफ अभी मैंने आपको फिगर में दिखाया था फ्लाइंग स्क्वेरल एंड फ्लाइंग फैलेंजर बताओ बहुत अच्छा सवाल है ये अभी फिगर आपको दिखाया था उसी फिगर से ये आंसर आपको करना है जो फिगर आपको दिखाया गया था देखो हमेशा जब सवाल पूछा जाए तो जो जिनके कंपैरिजन कराए गए उनको चेक करो कि किससे बिलोंग कर रहे हैं जैसे चार लोग पूछे गए तो हमने बस ये देखा कि भाई ये किससे बिलोंग करते हैं यहां पर पता चला मार्शुपियल मैमल है अब यहां दो लोग पूछे गए तो ये पता करो भाई ये कि जो फ्लाइंग स्क्वायरल है ये प्लसेंटल मैमल है और जो फ्लाइंग फैलेंजर है ये मार्सुपियल मैमल और मैंने क्या सिखाया आज कि अगर प्लेसेंटल और मार्सुपियल को कंपेयर करेंगे दैट इज द कन्वर्जेंट इवोल्यूशन दोनों के एंसेस्टर अलग अलग हैं और अलग अलग एंसेस्टर हैं तो डाइवर्जेंट हो नहीं सकता है एडेप्टिव हो नहीं सकता है तो ये हो गया कन्वर्जेंट इवोल्यूशन बी आंसर बहुत अच्छा सवाल है ये वेराइटी ऑफ बीक्स ऑफ फिंचेस दैट डार्विन फाउंड इन गैला आइलैंड इज एन एग्जाम्पल ऑफ डार्विन ने जो गैलापेगोज आइलैंड में डार्विन फिंचेस की बीक को स्टडी किया वो किसका एग्जाम्पल है तो डार्विन फिंचेस आर द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ द एडेप्टिव रेडिएशन यानी ए ऑप्शन हो जाएगा